Welcome everyone. Here is Rahul from St. Mary School. Student, today I am going to discuss practice set number 11 of JNVA entrance examination. Means Jawahar Navodaya Vidyalaya Pravesh Pariksha. जैसा कि आप जानते हैं उससे पहले हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट नंबर 1-10 उसके वीडियोस लेकर हम आए थे जिसमें हमने मैथ के क्वेश्चन ही डिस्कस किए थे, ठीक है। उसी कड़ी में ही आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 11 लेकर आया गया है। यहाँ पे भी हम मैथ से जो रिलेटेड प्रॉब्लम्स होंगे, जो कॉन्सेप्ट होंगे, उनको क्लियर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। आई होप तो इससे पहले के जो वीडियोज लाए गए थे उससे काफी कुछ हेल्प मिला होगा आपको टू सॉल्व मैथ प्रॉब्लम, यानी जो मैथ से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है उनको क्लियर करने में काफी हेल्प मिला होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी के हुए आपका क्लास, ओके। एग्जैक्टली हमें इसमें 41-60 यानी 20 क्वेश्चन इसमें इंक्लूड किए जाते हैं प्रैक्टिस सेट के थ्रू, और ये 20 क्वेश्चन से जो आपके जीएनबी एंट्रेंस एग्जामिनेशन में जितने भी टाइप के क्वेश्चन वहां पे आते हैं उन सारे क्वेश्चन को वन बाई वन करके यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं आपका क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 41, यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 41 की बात की गई है इसका स्टेटमेंट क्या है, करें एक नींबू 1 रुपए में 12 के भाव से बेचने पर 25% का लाभ हुआ, तो नींबू किस भाव से खरीदे गए थे। 1 रुपए में 12 के भाव से बेचने पर 25% का लाभ होता है, तो हमें ये बताना है कि नींबू किस भाव से खरीदे गए थे, यानी हमें सीपी ऑफ 1 lemon means 1 नींबू का कॉस्ट प्राइस बताना है। तो कैसे निकालेंगे भाई, हमें एसपी पता है और क्या प्रॉफिट परसेंट पता है। बेचे कितने में गए हैं, 1 रुपए में 12, यानी देखिए आप राइट क्या करेंगे, 1 रुपए में 12 बेचे गए, यानी एसपी ऑफ 12 lemon इज इक्वल टू कितना भाई, रुपीज 1 है, इन्होंने बताया ना 1 रुपए में कितने बेचे गए हैं, 12 बेचे गए हैं, तो 12 बेचे गए हैं, ठीक है। एसपी ऑफ 12 lemon इक्वल टू रुपीज 1, तो एसपी ऑफ 1 lemon यानी 1 का हम निकाल लेंगे यूनिटरी मेथड के लिए, ठीक है। यूनिटरी मेथड से ऐसे ही तो सॉल्व करते हैं, एसपी ऑफ 1 lemon इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, रुपीज 1/12 यानी 1/12 हो जाएगा, ठीक है। 1 नींबू इतने रुपए में बेचा गया है, लेट करेंगे, हमें पता नहीं था कितने में खरीद कर लाए थे, लेट सीपी ऑफ 1 lemon टू बी एक्स, 1 lemon बी एक्स, मान लेते हैं कि एक कितने में खरीद कर लाया था, एक का एक्स रुपीज में खरीद कर लाया था, अब इसको प्रॉफिट कितना लिया भाई, इन्होंने बताया क्वेश्चन में प्रॉफिट इसमें कितना हुआ, 25% का लाभ हुआ इसे, तो इसी एक्स का 25% निकाल देने पर यानी 1/12 के बराबर हो जाएगा, यही तो यानी एक्स शब्द के एसपी ऑफ 1 lemon इसको टू रुपीज 1/12, बट ये एसपी आया कैसे, एक्स रुपीज में वो एक नींबू खरीद कर लाया था, एक्स रुपीज में एक खरीद कर लाया था और इस पे प्रॉफिट कितने का लिया, इसी पे 25% का प्रॉफिट भी लिया इसने और बेच दिया 1/12 रुपीज में एक नींबू, ठीक है। अब यहां से सॉल्व करेंगे 25 का 100 यानी 1/4 आ जाएगा, एक्स इंटू 1 करेंगे बोला एक्स प्लस एक्स बाई 4 क्या आएगा, 5x/4 सॉल्व करने पे 4 into x 4x + x टोटल क्या आएगा, 5x/4 इज इक्वल टू 1/12, ओके। अभी क्या करना है, 4 1 4 4 3 12 हमें क्या फाइंड करना, नींबू किस भाव से खरीदे गए थे, ठीक है। यहां पे 5x = क्या आ रहा भाई, 1/3, 5x = 1/3, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 5 डिवाइड में जाएगा 1/15, यानी एक नींबू का जो कॉस्ट आया है 1/15 1/15 रुपए में खरीद कर लाया गया, तो यानी अगर 1 रुपए में कितने नींबू खरीदे जा सकते हैं, इसको 1 से डिवाइड कर देंगे, सॉरी 1 में इस वैल्यू से डिवाइड कर देंगे तो टोटल आएगा आंसर कितना, 15, यानी 1 रुपए में 15 के भाव से नींबू खरीदे गए थे भाई, कितने एक नींबू की कीमत कितनी आई, 1/15 रुपए, ये कितनी है? एक नींबू की कीमत आई है, एक नींबू की जो सीपी है मतलब सीपी क्रय मूल्य है ना, 1/15 रुपए आया था,
आप कह रहे हैं सर एक रुपए में कितने खरीदे जा सकते हैं, तो एक रुपए में क्या करेंगे इसी से भाग दे देंगे, भाग दे देंगे तो पता चल जाएंगे एक रुपए में कितने नींबू खरीदे जा सकते हैं। भाई एक रुपए में खरीदे जा सकते हैं, एक रुपए में खरीदे जा सकते हैं नींबू कितने, एक में 1/15 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 1/15/1 यानी 15 नींबू खरीदे जा सकते हैं। आप जनरली ऐसे ही आंख भी समझ सकते थे, ठीक है, एक रुपए में कितने नींबू खरीदे जा सकते थे 15, ठीक है। आई होप ये पॉइंट आप होगा क्लियर हो गया होगा। इसमें क्या क्या किया गया था, पहले हमने देखा एसपी कितना दिया गया, एक रुपए में 12 के भाव से बेचे गए, यानी हमने देखा एसपी ऑफ 12 लेमन इक्वल टू रुपीज 1 हो गया सर। देन एसपी ऑफ 1 लेमन इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/12, 12 एक रुपए में खरीदे जा रहे हैं तो एक नींबू की कीमत कितनी होगी 1/12 रुपए, है ना। हमने ये मान लिया कि हमें ये नहीं पता कितना एक नींबू की कीमत क्या थी खरीदने के, इसकी हमें नहीं पता है, तो हमने मान लिया अब एक्स प्लस इसी 35% लाभ लिया था, दोनों मिलाकर एक नींबू 1/12 रुपए बेचे गए, तो यानी उसी को सॉल्व करने पर हम यहाँ पे पाते क्या है, एक्स इक्वल टू आता है 1/15। अब एक्स इक्वल टू 1/15 यानी एक नींबू की कीमत 1/15 है, तो एक रुपए में कितने नींबू खरीदे जा सकते हैं, आज 15 नींबू खरीदे जा सकते हैं अगर 1/15 रुपए का एक नींबू है, ठीक है। आईओपी पॉइंट आप लोगों का क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, क्या कोई ऐसा ऑप्शन भी मैच कर रहा है हमारे क्वेश्चंस में, हमारे क्वेश्चंस के आंसर में का कोई ऐसा ऑप्शन भी मैच कर रहा है? हाँ बिल्कुल मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर बी आपका एग्जैक्टली मैच कर रहा है, देख पा रहे हो, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 42 की। यदि खंभे का 1/3 भाग, इसमें दिया क्या गया है खंभे का 1/3 भाग पीला, 1/4 भाग लाल और 1/5 भाग नीला रंगा जाए और शेष भाग सफेद है। यदि खंभे की लंबाई 24 मीटर है तो सफेद भाग की लंबाई क्या है? भाई आपको करना क्या है, अलग अलग कलर में जिससे अलग अलग कलर से जो खंभे को रंगा गया उसके प्रत्येक का फ्रैक्शन दिया गया, यानी उसका भिन्न दिया गया कितने भाग को अलग अलग कलर से कलर किया गया है, ठीक है। जिसमें पीला का भाग है 1/3, लाल का 1/4 और नीला का 1/5, शेष भाग जो है बचा हुआ वो सफेद से रंगा गया है। कुल लंबाई कितनी है खंभे की, 24 मीटर है, सफेद भाग की लंबाई क्या है होगी? तो भाई आप पहले फ्रैक्शन निकाल लो, किसका फ्रैक्शन, सफेद भाग का फ्रैक्शन कितना होगा, यानी सफेद भाग का भिन्न, है ना, या सफेद रंग का भाग, सफेद रंग का भाग कितना भाग सफेद का है, तो कुल भाग आप जानते हो एक होता है, पहले सफेद को छोड़कर कितना भाग है, यानी कुल अलग अलग रंग के, तो उसको जोड़ लो, अलग अलग रंगों के जो भाग है उनको जोड़ लेंगे, 1/3 भाग पीला है प्लस 1/4 भाग आपका लाल है और प्लस 1/5 भाग नीला है। चलिए क्या करेंगे, इन सबको जोड़कर एक से माइनस कर देंगे तो हमें सफेद रंग का भाग पता चल जाएगा, जोड़ने पर क्या आएगा 5 × 20 और 3 × 60, यानी कहने का मतलब आप यहां से इसका एलसीएम फाइंड करेंगे तो क्या आएगा, सॉरी एलसीएम फाइंड करेंगे तो 60 आएगा। सारे आप जान रहे हो कैसे नंबर है, सारे एक दूसरे के रिस्पेक्ट में को प्राइम नंबर है 3, 4, 5 और इनका एलसीएम फाइंड करने के लिए डायरेक्ट इनका मल्टीप्लाई करेंगे, 3, 4 × 12, 5 × 60, 3 × 12 = 60, 1/1 करके इनसे डिवाइड करेंगे, 60 को 3 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा, जैसी बात है आप डिवाइड करोगे तो 20 आएगा, है ना, 20 × 10 = 60 होता है, और जो 20 आएगा क्वेश्चन उसी का आप न्यूमरेटर में यानी यहाँ अंश में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 1 × 20 डायरेक्ट राइट कर देते हैं 20। यहाँ से 4 से यानी 4 से 60 को भाग देंगे कितना बार जाओगे 15 बार जाएंगे, 15 × 15 प्लस 5 से इसको भाग देंगे 12 बार जाएंगे, 12 × 5 = 60 होता है, 12 × 12। ये तो कुल अलग अलग रंगों के भाग की बात की जा रही है, हमने सफेद रंग का भाग अभी नहीं निकाला, अभी निकालने के लिए तरीका होता है ना, पहले आप इसको जोड़ लो, 20 × 15 कितना होता है 35 और 12 कितना होता है 47/60। भाई 47/60 भाग तो अलग अलग रंगों से रंगे गए हैं, अब हमें सफेद भाग की लंबाई की बात करना, तो 60 भाग में अगर 47 भाग अलग अलग रंग से रंगे गए हैं इसका मतलब 13 भाग बचे हुए हैं, तो सफेद रंग का भाग अगर हम बात करें, सफेद रंग का भाग एक से माइनस करोगे तब भी वही आएगा, है ना, सफेद रंग का भाग एक माइनस यानी 47/60 हो जाएगा, कुल मिला के कितना आएगा 7 × 60 और 47 माइनस कर देंगे कितना हो जाएगा भाई 13/60। ये भाग है किसका,
ये भाग है आपका सफेद रंग का। अब इसकी लंबाई क्या होगी, अगर सफेद भाग रंग के भाग की लंबाई, सफेद रंग के भाग की लंबाई, कुल लंबाई कितनी 24 मीटर दी गई है। हम देखेंगे इसमें 13/60 से गुणा कर देंगे, 13/60 × 24 कुल लंबाई में हम इसके फ्रैक्शन से यानी जितना इसका भाग है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो सफेद भाग की लंबाई निकाल लेंगे। यहां से 6 से भाग दे देते हैं, 6 से भाग देने के 6 × 24 हो जाता है और यहाँ 6 से भाग देंगे तो 10 आ जाएगा। अभी भी कट कर सकते हैं इसको, 2 × 4 and 2 × 5 कुल मिला के यहाँ 13 × 26 बटे में 5 आ जाएगा, 13 × 26 बटे में 5 आ जाएगा। ठीक है, अभी देखो 26/5 कितना होता है, 26/5 मतलब 25, 1 से 10 हो गया, 5 × 10 यानी 5.2 मीटर कितनी आएगी कुल लंबाई इसकी, 5.2 मीटर। क्या कोई ऐसा ऑप्शन मैच कर रहा है, देखिए फ्रैक्शन में दे दिया है तो फ्रैक्शन में ही राइट कर लेते हैं। मिक्स फ्रैक्शन में आप अगर 26/5 में सॉल्व करोगे तो 5 सही 1/5 आएगा, 5 सही 1/5 25 से 26। क्या कोई ऐसा ऑप्शन मैच कर रहा है, हाँ ऑप्शन नंबर सी, क्या मैच कर रहा है ऑप्शन नंबर सी। कैसे फाइंड किया गया, पहले हमने अलग अलग रंगों के कुल भाग की लंबाई निकाल लिया मतलब कुल फ्रैक्शन, तो कुल फ्रैक्शन कितना आया था यानी कुल जो भाग आया 47/60 आ गया, तो सफेद रंग का भाग निकालना था। हमने क्या किया, पूरे एक भाग में से उस अलग अलग रंगों के भाग को हमने माइनस कर दिया, 47/60 माइनस कर देंगे तो 13/60 ये सफेद रंग का भाग आ गया। अब इसकी लंबाई बतानी थी, कुल लंबाई कितनी थी 24 मीटर थी, तो 13/60 × 24 कर दिया, इस तरह से आंसर आ जाता है 26/5 या 5 से 1/5 मीटर। ठीक है, आई होप ये पॉइंट आप लोगों का क्लियर हो गया होगा, ऑप्शन भी मैच कर रहा है आपका, ऑप्शन नंबर सी तो बिल्कुल करेक्ट है ना। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 की बात करेंगे। ठीक है, इसमें दिया क्या गया है, कह रहे हैं दिए गए आरेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन कर प्रश्न का उत्तर दीजिए, आपको इस ग्राफ का ऑब्जर्वेशन करके क्या करना है, जो इसमें क्वेश्चन आस्क किए गए हैं उनके आंसर हमें देने हैं। ठीक है, आंसर हमें देने हैं, चलिए देखते हैं क्या किया गया इसमें। ये आपका क्वेश्चन, ये ग्राफ दिया गया, प्रश्नों की संख्या है एक तरफ छात्र यानी कोई छात्र कितने प्रश्न हल कर पाते हैं या कितने प्रश्न उन्होंने ये अभी डिफाइन नहीं किया, पूछे हैं या हल करने की बात है, लेकिन यहाँ पे एक तरफ छात्र है ए बी सी डी करके, ए बी सी डी ई यानी ये 5 अलग अलग छात्र हैं और इनके द्वारा किए गए प्रश्नों की संख्या है इसमें 20-40 यानी यूनिट, इसमें 1 unit = कितना दिया गया, 1 cm = या 1 unit = 20 क्वेश्चन है ना, 20 क्वेश्चन की बात किया गया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, ए बी और ई, ए बी और ई से सी और डी ने कितने प्रश्न अधिक हल किए, आपको किसकी किसकी बात पहले करनी है, पहले सबसे पहले ए बी और ई की बात करनी है, इन्होंने कितने प्रश्न अलग अलग हल किए हैं, तो ए ने कितने प्रश्न हल किए आप ग्राफ के द्वारा देख पा रहे हो, ए ने हल किए कितने भाई, यहां पे ही राइट कर दे रहे हैं, चलिए ए ने कितने प्रश्न हल किए सबके अलग अलग हम राइट कर लेते हैं, कितने 20 क्वेश्चन ने सॉल्व किए ए ने। ठीक है, ऐसे बी की बात कर ले तो बी कितना किया है 80 क्वेश्चन, तो आपके द्वारा आप देख पा रहे हो बी कितना है 80 क्वेश्चन सॉल्व किया है। ठीक है, सी की बात करें, सी में कितना भाई, सी ये मैच कर रहा है इसके अलॉन्ग है 140 यानी 140 क्वेश्चन सी के द्वारा सॉल्व किया गया। चलिए नेक्स्ट डी की बात करें तो इसने कितने क्वेश्चन किए हैं, इसने यहाँ पे आप देख रहे हो इस लाइन के अलाउ ये कैरी कर रहा है तो इसमें हम 100 राइट करेंगे यानी सी, सॉरी डी, डी कितना यहाँ पे सॉल्व कर रहा है 100 क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं ई, ये लास्ट है जो ई स्टूडेंट है वो आपका 80 क्वेश्चन कर रहा है, यहाँ पे आप देख पा रहे हो इस लाइन के अलाउ ये मैच कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे 80 यस बेटा सॉरी यहाँ पे मैंने ध्यान नहीं दिया, एज को टू आप देख पा रहे हो 40 मैंने ध्यान नहीं दिया, 20 कर दिया। ठीक है, तो आप 40 कर लीजिए इसको, एज को टू कितना हो जाएगा 40 क्वेश्चन। ओके, अब क्या करना है, हमें ए बी और ई की बात करनी है, सबसे पहले ए बी और ई की बात करनी है, इन्होंने कितने क्वेश्चन एक साथ सॉल्व किए यानी हल किए हैं, तो 40
और 80 कितना था भाई, ए प्लस बी। चलिए हम करके दिखाते हैं आपको, हमें करना है ए प्लस बी प्लस ई के सॉल्व क्वेश्चन की स्ट्रेंथ बतानी है कि कितनी संख्या में सॉल्व कर लिया है। 40 80 और कितना 80, चलो जोड़ देते हैं 40 80 80 160 और 40 कितना होता है 200। कितने क्वेश्चन तीनों ने मिलकर सॉल्व किए 200। अब बात आती सी और डी ने कितने अधिक किए हैं, सी और डी ने कितने प्रश्न अधिक किए हैं। सी ने देखिए सी और डी की बात कर ले तो सी प्लस डी, सी और डी की बात करें तो कितना आ जाएगा, सी ने सॉल्व किया था अभी हमने बताया यहाँ पे 140 और डी ने कितना किया है 100 क्वेश्चन, कुल मिला के 240 क्वेश्चन। अब दोनों के अंतर की बात करें यानी ए बी ई और सी तथा डी इन दोनों के बीच का जो अंतर है क्वेश्चन को सॉल्व करने का वो कितना आएगा 40 का, इन दोनों ने मिलकर 240 इन दोनों ने मिलकर केवल 200 क्वेश्चन किए तो अंतर कितने का है 40 क्वेश्चन का, इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी। ओके तो इसमें कुछ नहीं करना था, बस आप करना क्या था आपको ग्राफ को केयरफुली ऑब्जर्व करना था, अगर आपने ग्राफ को थोड़ा इधर उधर नहीं ध्यान दिया तो फिर एक क्वेश्चन काम हो जाता, लेकिन अगर आपने ग्राफ पे कंसंट्रेशन रखा है सही से देख रहे हैं तो क्वेश्चन डाउन नहीं हो सकता। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इन्होंने कहा 0.4 बटे में 0.004 प्लस 0.5 यानी सिंप्लीफिकेशन है, ये डेसिमल का एक सिंप्लीफिकेशन है, चलिए इसको करके दिखाते हैं हम। 0.4 क्वेश्चन नंबर 44 की बात कर रहे हैं है ना, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है, आप क्वेश्चन नंबर 44 की बात कर रहे हैं जिसमें 0.4 बटे में क्या गया 0.004 प्लस 0.5 बटे में क्या करेंगे 0.05। आप देखो आप यहाँ पे नंबर आप डिजिट आफ्टर डेसिमल कितने भाई, दशमलव के बाद इस पॉइंट के बाद कितने डिजिट है इसमें 1 2 3, आप ऐसा करो ऊपर भी 3 डिजिट कर दो, इसके न्यूमरेटर में अंश में भी इतने ही अंक लगा दो, तो इसके लिए आप 0 इंक्रीज कर दो, कुछ नहीं करेंगे तो 0 कर देंगे, 0 0 कर दिया, यहाँ भी दशमलव के बाद 3 अंक होंगे, यहाँ दशमलव के बाद 2 अंक है तो 1 0 यहाँ बढ़ा दो, अब बराबर होंगे दोनों में, यानी लाइक डेसिमल के फॉर्म में कन्वर्ट हो गए, नंबर के फॉर्म में आ गए लाइक डेसिमल के फॉर्म में। आप क्या करना है आपको सारे नंबर्स के जो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर जो नंबर्स हैं उनके डेसिमल को रिप्लेस कर देंगे क्योंकि सेम नंबर आप डिजिट कर दें डेसिमल पुट किए गए हैं तो हटा देते हैं, हटाने से क्या आएगा ये यहाँ पे पॉइंट हटेगा तो 0 का कोई मीनिंग नहीं, इससे पहले नंबर से पहले तो आएगा 400 ऊपर और नीचे 0 0 का आगे कोई मतलब नहीं है, 5 4 प्लस भाई इससे क्या क्या होगा यहाँ 50/5 सही है, तो इससे 400 को 4 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 100, अरे 400 बटे में 4 कितना 400 बटे 4 यानी 100 आ जाएगा, प्लस इसको 10 बार देंगे 50 सॉरी आप 10 बार देंगे तो यहाँ 50 हो जाएगा यानी 5×5 कुल मिला के कितना आ गया 110, 100 प्लस 10 कितना बराबर हो गया भाई 110। क्या कोई ऐसा ऑप्शन मैच कर रहा है, हाँ मैच कर रहा है, आपने किया ना तरीके से किया जाएगा तो बिल्कुल मैच करेगा, आपका मैच भी कर रहा है ऑप्शन नंबर बी, देख पा रहे हैं ना ऑप्शन नंबर बी एग्जैक्टली मैच कर रहा है आपके क्वेश्चन से, आई होप ये पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया क्या गया, सीमा किरण और उषमा की आयु का अनुपात इतना है 2:3:4 है तथा किरण और उषा की आयु का अंतर 5 वर्ष है तो सीमा की आयु कितनी होगी। देखो क्वेश्चन को करने के कई सारे तरीके हैं, जो सिंपलेस्ट वे होता है वो मैं बता दे रहा हूं आपको, भाई मानते हैं कैसे, इन्होंने सीमा किरण और उषा की बात किया, हम मान लेते ए बी सी है सीमा, अच्छा सीमा ही मान लो, सीमा ए मान लेते हैं और बी किरण को मान लेते हैं बी, ए इज टू बी इज टू सी, उषा को हमने सी मान लिया, इनका जो उम्रों का अनुपात दिया गया है इनके एज का जो रेशियो है 2:3:4 ये है, 2:3:4 है, ए बी इज टू बी इज टू सी इक्वल टू 2:3:4, मान लेते हैं सीमा की उम्र ए है और किरण की उम्र बी है और उषा की उम्र सी है तो उनके उम्रों का अनुपात कितने के बराबर होता है भाई 2:3:4। अब इन्होंने कहा किरण और उषा की आयु का अंतर 5 वर्ष है, ठीक है एक चीज आप बताओ
अगर हम इस रेशियो फॉर्म से नंबर फॉर्म में लाना चाहें इनकी उम्र को नंबर फॉर्म में, तो क्या करेंगे, x से इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे, x से कैसे किसी एक कांस्टेंट वैल्यू से इसको हम रिप्रेजेंट कर देते हैं, मान लेते हैं वो कांस्टेंट वैल्यू क्या होगी, x होगी, यहाँ के लिए कांस्टेंट, वैसे वेरिएबल होता है x, ठीक है, यहाँ के लिए कांस्टेंट होगा वो, 2:3:4 हम मान लेते हैं, a इसको टू बात करें तो कितना हो जाएगा 2x, सेम आज b इसको टू बात करें रेशियो से नंबर फॉर्म में ले आ रहे हैं 3x, और c इसको टू कितना हो जाएगा 4x। ये कौन है, ये पहली जो लड़की थी सीमा, ये दूसरी लड़की थी किरण, और तीसरी उषा, इनकी उम्र आ गई भाई, ये 2x वर्ष है, ये 3x वर्ष है, और ये 4x वर्ष है। इन्होंने कहा किरण और उषा की आयु का अंतर 5 वर्ष है, ये किरण और ये उषा इनकी आयु का अंतर निकाल देते हैं, तो जो ज्यादा होगा उसी में से कम वाले घटा देते हैं, ज्यादा वाला उषा की है उसमें से किरण की आयु घटा देते हैं, अंतर कितने के बराबर 5 वर्ष, x बराबर कितना आ गया 5 वर्ष आ गया, यानी x की वैल्यू हमने फाइंड कर लिया 5 वर्ष, किसकी उम्र पूछा इन्होंने, किसकी, सीमा की आयु कितनी है, सीमा इसमें से है कौन, सीमा जो पहली लड़की है ये a, इसकी आयु की बात करें तो x की वैल्यू हमने फाइंड किया 2, x की वैल्यू फाइंड किया या सॉरी x की वैल्यू फाइंड किया है 5 नॉट f, तो यहां पे हम x की वैल्यू क्या पुट करेंगे 5, 2×5 बराबर 10 वर्ष, सीमा की आयु कितनी हो गई 10 वर्ष, ठीक है, किसी की भी आयु पूछा होता है x की वैल्यू के अकॉर्डिंग हम चाहे तीनों लड़कियों में से किसी का भी आयु बता सकते थे, चाहे किरण की हो बात चाहे उषा की हो, लेकिन उन्होंने सीमा की बात किया था, इससे सीमा की आयु कितनी हो गई 10 वर्ष, ओके ये पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा, ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, चलिए मैं एक बार इसको बता रहा हूँ किया क्या गया था, मतलब वही आप जो जनरल चीजें करते हैं, इसका अनुपात दिया गया है, अनुपात की हमने बात क्या किया, हमने कहा x से इसको रिलेट कर देते हैं, तो x के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, एक की उम्र हो जाएगी 2x, दूसरे की 3x, और तीसरे की हो जाएगी 4x, अब इन्होंने कहा दूसरे और तीसरे की उम्रों का अंतर जो है वो 5 है, तो ठीक है हमने इनके उम्र को अंतर निकाल कर देख लिया 5 के बराबर कर दिया, और x इसको आ गया 5, बस x की वैल्यू फाइंड कर लिया, तो x के अकॉर्डिंग हम किसी की भी एज की बात करें तो बता सकते हैं, क्योंकि हमने x के टर्म्स में यहाँ पे एज को लिया है, ठीक है, अब 2×5 बराबर 10 वर्ष हो गया, इस तरह से हमारा जो 45 क्वेश्चन का आंसर आता है वो ऑप्शन नंबर ए मैच करता है, ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 46 यानी क्वेश्चन नंबर 46 की बात कर लेते हैं, 4 अंकों की सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्याओं का योगफल है, भाई इसमें तो करना ही नहीं, आपको बहुत क्लास 4-3 से ही सब चीजें सीखते आ रहे हैं, 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का योगफल, सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी 4 अंकों की, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या भाई 4 अंकों की सबसे बड़ी, जितने डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर फॉर्म करने के लिए बोला आप उतने टाइम्स 9 राइट करेंगे, यानी 4 बार 9 लिख 9 लिख दोगे 9999 चलिए, अब छोटी संख्या की बात करें 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या, संख्या भाई कितना हो जाएगा 1 after 000 यानी 1000, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, दोनों का योगफल की बात किया है तो योगफल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, जोड़ देते 9999 प्लस 1000 बराबर कितने के, यहां से क्या हो जाएगा 9900 यानी 10999 और क्या 9999 में 1000 दो देंगे तो 10999, क्या कोई ऐसा ऑप्शन मैच कर रहा है, 4 अंकों की सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्याओं का योगफल, बेटा जी 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9999 होगी, हाँ यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी मैच कर रहा, थोड़ा सा यहाँ पे मिस कर रहा था, ये ऑप्शन नंबर बी एग्जैक्टली मैच कर रहा, ठीक है, तो 46 का भी पॉइंट क्लियर ही है, इसमें कुछ था नहीं ऐसा क्यों पाया जाए, आपको ये पहले से क्लियर था, केवल आपको क्या करना था, थोड़ा सा कैलकुलेशन करेक्ट करना चाहिए था, है ना, और वो किया भी आपने, चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 47 की बात करेंगे, इसमें दिया क्या गया, इसमें इन्होंने कहा 1089 प्लस 121 का मान होगा, अभी देखिए भाई 1089 प्लस 121 का मान होगा, 1089 प्लस 121 तो अंडर रूट के अंदर है ना, तो पहले क्या करेंगे इन दोनों को ऐड,
चलिए ठीक है, ये सॉरी यहाँ पे प्लस ना होकर मुझे लग रहा है ये डिवाइड का सिंबल है, थोड़ा सा मिसप्रिंट कर रहा है, ये डिवाइड होना चाहिए है ना। एग्जैक्टली क्या है ये डिवाइड है 1089 बटे में 121। ओके सॉरी, यहां से 1089 बटे में 121 है यार। चलिए देख लेते हैं, मुझे लग रहा है कि ये आपका डिवाइड है, यहाँ पे थोड़ा सा मिस कर रहा है साइन, क्या होगा मुझे लग रहा है डिवाइड होगा, डिवाइड करके चेक करते हैं ठीक है। यहाँ से 1089 डिवाइड बाई 121, अब क्या करोगे आप यहां से सॉल्व करने आओगे तो किसका स्क्वायर होता है 1021 भाई, 1021 33 का स्क्वायर होता है, किसका 33 का स्क्वायर होता है। आप अगर नहीं सोच पा रहे हो तो करके देख लेते हैं, करके देखोगे तो आएगा 33, 1089 35 का ही स्क्वायर होता है ठीक है। अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो मैं करके दिखा दूँ, यहाँ पे स्क्वायर रूट इसका निकाल लेंगे, 3 3 9, यहाँ से देन आफ्टर 18 हो जाएगा तो 3 6 18, फिर कितना हो जाएगा 3 3 जा, फिर 3 से कट करेंगे 3 1 जा, 3 2 जा, 3 1 जा, फिर कितने से कट करेंगे इसको 11 से, यहाँ कितना आएगा 11, फिर कितने से कट करेंगे 11 बन जाएगा, 11 ठीक है 33 है गया ना बेटा जी। आप इसको नहीं सुन पा रहे हो तो ऐसे फैक्टर वाइज राइट कर लो, 3 × 3 × 11 × 11 डिवाइड बाई 121, चलो 11 बन जा 11, 11 वन 11 जा 121, यहां से 11 बन जा 11, 11 बन जा 11, इस तरह से कुल मिला के कैंसिल हो गया, यहाँ पे अंडर रूट 9 बच रहा है, क्या बच रहा है अंडर रूट 9, और ये किसके इक्वल हो जाएगा 3 के इक्वल हो जाएगा, 9 का वर्गमूल 3 ही होता है। तो इस तरह से आप आंसर फाइंड करते हैं तो ऑप्शन नंबर ए आपका आता है, कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए। ओके तो आई होप ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया होगा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। इसमें क्वेश्चन नंबर 51 की बात नहीं करना, अभी हमें 48 की बात करना, अभी हमने इससे पहले आपका क्वेश्चन नंबर 47 डिस्कस किया था ठीक है बेटा जी। अब इसमें दिया क्या गया, एक माली नॉर्थ पे प्रति दर्जन की दर से 240 गुलाब कितने में खरीदता है, एक माली नॉर्थ पे प्रति दर्जन की दर से 240 गुलाब कितने रुपए में खरीदता है, तो नॉर्थ पे प्रति दर्जन है तो एक की कीमत कितनी है, 240 गुलाब खरीदने में से कितना देना पड़ेगा निकाल लेंगे। भाई करना क्या है आपको, 240 में गुलाब में दर्जनों की संख्या यानी कितने दर्जन है, 240 में कितने दर्जन बनेंगे ये निकालेंगे, गुलाब में दर्जनों की संख्या कितने दर्जन है, दर्जनों की संख्या। अब क्या करोगे, 240 गुलाब में दर्जन निकालना, तो एक दर्जन में कितने होते हैं, एक दर्जन में होते हैं 12, तो 12 से भाग दे देंगे, कितने दर्जन 240 में बनेंगे हमें पता चल जाए, 12 × 24 यानी 20 दर्जन, 240 अगर संख्या है तो इसका मतलब उसमें कितने दर्जन हो गए 20 दर्जन। अब 20 दर्जन आए यहाँ पे क्या भाई, इतने गुलाब से खरीदने हैं, 20 दर्जन गुलाब खरीदने और एक दर्जन की कीमत कितनी है, यहाँ पे क्वेश्चन में बताया गया 9 रुपए प्रति दर्जन के हिसाब से लिया गया, तो 20 दर्जन गुलाब की कीमत, गुलाब की कीमत 20 दर्जन गुलाब की कीमत 20 × 9 हो जाएगा, यानी 180 रुपए देना पड़ेगा 20 दर्जन के लिए, 240 गुलाब अगर से खरीदना है तो 180 रुपए देने पड़ेंगे, क्योंकि एक दर्जन की कीमत कितनी है 9 रुपए, और ऐसे कितने दर्जन उसने लिए हैं 20, 240 में 20 दर्जन हो जाएंगे, तो यहाँ पे 180 आंसर आ गया, बिल्कुल आ गया, ऑप्शन नंबर डी मैच कर रहा है तो टिक भी कर देंगे, चलिए ऑप्शन नंबर डी एग्जैक्टली मैच कर रहा था, इसको टिक कर दिया गया ठीक है, तो ये भी पॉइंट आपका क्लियर ही हो गया होगा है ना। अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर, भाई क्वेश्चन नंबर इससे पहले हमने 48 डिस्कस किया है, अब बात आती यस बेटा, अब क्वेश्चन नंबर हम 49 की बात करेंगे, इससे पहले हमने 48 डिस्कस किया, चलिए अब बात आती है किसी संख्या के 30% का 2/7 भाग 9 है,
तो उस संख्या का 10% क्या होगा? भाई किसी संख्या के 30% का 2/7 भाग, चलो निकाल के देखते हैं। मान लेते हैं वो संख्या क्या होगी, x होगी। मान लेते हैं, माना वो संख्या x होगी, हमें नहीं पता तो मान लेंगे और क्या, वो संख्या x होगी। चलो अब x का 30% भाई कितना होगा, x मल्टीप्लाइड बाई 30 डिवाइड बाई 100, ये x का 30% हो गया। अब इसी का इन्होंने कहा है 2/7 भाग ले लीजिए, 2/7 किसी का ले लिया गया। अब x का 30% लेने पर जो आएगा उसका 2/7 भाग किसके बराबर हो जाता है, 9 के बराबर हो जाता है। ये क्वेश्चन था। चलिए अब करेंगे क्या, थोड़ा सा सिंप्लीफाई, 0 0 का आंसर। अब हम 3x/10 डिवाइड बाई 10 मल्टीप्लाइड बाई 2/7 ये दिया गया है। यहां से आप चाहो तो कट कर सकते हो, 2 1 2 2 5 10 = 9 के चल रहा था, अब क्या करोगे 7 5 35। चलो x 3x बराबर क्या हो जाएगा, 9 × 35। अभी x 3 × 3 = 9 यानी 35, यहाँ 105। x बराबर यानी वो संख्या कितनी आ गई, 105। हमें क्या करना है, इसका 10% निकालना है, यानी इस संख्या का जिसका आपने निकाला 105 उसी का 10%। यानी अतः x का 10% कितने के बराबर भाई, 105 आया। आपने x निकाला, इसका 10% निकालेंगे तो यहां से आएगा 0 0 कैंसल, यानी कहने का मतलब 105/10 यानी 10.5 कितना आ जाएगा, 10.5। ठीक है, क्या कोई ऑप्शन भी मैच कर रहा है, जैसा क्वेश्चन का स्टेटमेंट था वैसा ही करना था, इसमें कुछ करना है नहीं था, अपनी तरफ से इसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं यूज करना था, बस जैसा उसने किया से फॉलो करते गए आंसर तक पहुंच गए। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर सी एग्जैक्टली मैच कर रहा है ना, 10.5 बिल्कुल मैच कर रहा है। चले नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे। अभी तक हमने जो क्वेश्चन डिस्कस किया है उसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, बिकॉज सारे कॉन्सेप्चुअल पॉइंट थे, जो भी था आपका इन डिटेल डिस्कस किया जा रहा है ना। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। रीमा आशा से 4 वर्ष बड़ी है और आशा कविता से 2 वर्ष बड़ी है। यदि कविता की आयु 40 वर्ष है तो रीमा की आयु क्या होगी, भाई रीमा जो है आशा से 4 वर्ष बड़ी है और आशा कविता से 2 वर्ष बड़ी है, यानी आशा की उम्र की बात करें। चलो क्लियर कर देते हैं, पहले क्लियर ऑल कर देते हैं, क्वेश्चन को करना हमें 50 नंबर। रीमा की उम्र की बात नहीं की गई है लेकिन कविता की एज दी गई है, यहाँ पे कविता की एज दी गई है कितनी, कविता की एज कितनी दी गई है इसमें, 40 वर्ष। यहाँ पे बताया गया है कविता की जो उम्र है वो 40 वर्ष है और कविता की 40 वर्ष है। आशा जो है वो कविता से 2 वर्ष बड़ी है, तो आशा की बात कर लें, आशा की उम्र ठीक है, आशा जो है कविता से 2 वर्ष बड़ी है, यानी 40+2 कर देंगे, यानी 42 वर्ष की है आशा। 42 वर्ष की कौन है भाई, आशा होगी। अब बात आती है रीमा की, तो रीमा है जो वो आशा से 4 वर्ष बड़ी है, आशा से 4 वर्ष बड़ी यानी 42 की आशा है, इसमें 4 और जोड़ देंगे 46 वर्ष हो जाएगा। अभी ये किसकी उम्र हो जाएगी, आशा की उम्र हो जाए, सॉरी रीमा की उम्र हो जाएगी, किसकी उम्र हो जाएगी, रीमा की उम्र। इन्होंने यही पूछा था कि रीमा की आयु क्या होगी, रीमा की आयु 46 वर्ष हो जाएगी आपके क्वेश्चन के सॉल्व के अकॉर्डिंग। ठीक है, आपने सॉल्व किया 46 वर्ष निकाल लिया, तो ये भी क्लियर हो गया आपका। यस स्टूडेंट, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं हम। अब आपका क्वेश्चन नंबर क्या किया गया, जैसे इसमें पहले 50 की बात कर लेते हैं, 50 में किया क्या, उन्होंने जैसा कुछ कहा था उसी का हमने यूज किया, कविता की आयु 40 वर्ष बताया था जबकि जो आशा है वो कविता से 2 वर्ष बड़ी है, तो हमने 2 वर्ष उसमें जोड़ दिया, 42 वर्ष आ गया। आशा की उम्र रीमा की बात करते हैं, रीमा है आशा से 4 साल बड़ी, इसमें 42 में 4 और जोड़ेंगे 46 वर्ष रीमा की आयु आ जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे।
क्वेश्चन नंबर 51 की बात कर लें, इसमें दिया क्या गया, 100 मीटर लंबी ट्रेन किसी टेलीफोन के खंभे को 5 सेकंड में पार करती है तो ट्रेन की चाल किलोमीटर प्रति घंटे में है। भाई खंभा है, ट्रेन है तो बात पार करने की है तो कैसे करती है? देखो ये कोई खंभा है, ये कोई खंभा है जिस खंभे को एक ट्रेन है जिसकी लंबाई दी गई है कितनी, 100 मीटर, कितने सेकंड में पार कर लेती है, टाइम लेती है इसको, कितने टाइम में पार कर लेती है इसको, 5 सेकंड में। तो आप जानते हो रेलगाड़ी द्वारा इस खंभे को पार करने में लिया गया समय कितना होगा, जितनी इसकी इस खंभे को पार करने के लिए चली गई दूरी कितनी होगी, जितनी इसकी लंबाई होगी खुद की इस रेलगाड़ी की, यानी 100 मीटर चलेगा अगर इस खंभे को पार किया, इसका मतलब उसने 100 मीटर दूरी तय की है इस खंभे को पार करने के लिए, और समय कितना लिया, 5 सेकंड। तो रेलगाड़ी की चाल बताया कितना होगा, रेलगाड़ी की चाल हो जाएगी कुल चली गई दूरी बटे में कुल लिया गया समय, कुल दूरी इसने चला है 100 मीटर का, लिया गया समय कितना, 5 सेकंड का। अब बात कर ले तो 5 एकम 5 20 × 500 होता है भाई, 20 मीटर/सेकंड आ गया इनका मीटर/सेकंड में चाल रेलगाड़ी की। लेकिन हमें क्या निकालना है, रेलगाड़ी की चाल मीटर/सेकंड में नहीं निकालना, हमें किलोमीटर/आवर में निकालना है। तो यहां से क्या करेंगे, इसकी चाल को हम मीटर/सेकंड से किलोमीटर/आवर में चेंज करने के लिए 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 18/5 से गुणा कर देंगे, आंसर किस में आ जाएगा, किलोमीटर/घंटे में। तो ठीक है, 5 × 5 = 20, 18/72 किलोमीटर/घंटे रही है ट्रेन की चाल। अगर ट्रेन की चाल की बात की जाए तो कितना हो जाएगा, 72 किलोमीटर/घंटे किलोमीटर/आवर में। ठीक है, तो क्या कोई ऑप्शन भी मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे देख पा रहे हो, ऑप्शन नंबर डी एग्जैक्टली मैच कर रहा है। ठीक है बेटा जी, ऑप्शन नंबर डी मैच कर रहा है तो ठीक है, चले नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे। एक कमीज के लिए क्वेश्चन नंबर 52 की बात करेंगे, एक कमीज के लिए 1 मीटर/75 सेंटीमीटर कपड़ा चाहिए, 88 कमीजें बनाने के लिए कितना कपड़ा चाहिए, 8 मीटर। एक कमीज के लिए कितना कपड़ा लगता है, पहले ये देख लो, एक कमीज के लिए लगा कपड़ा या आवश्यक कपड़ा, एक कमीज के लिए आवश्यक कपड़ा भाई कितना आवश्यक होता है कपड़ा, इन्होंने कहा 1 मीटर/75 सेंटीमीटर, यही ना, 1 मीटर/75 सेंटीमीटर टोटल को मीटर में रिप्रेजेंट करेंगे, यानी इसको हम क्या करते हैं, जो लेंथ दी गई है इसको मीटर रिप्रेजेंटेशन में रखते हैं ना, मीटर में कन्वर्ट करते हैं सारे को, तो 1 मीटर ऑलरेडी है, 75 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 100 से भाग देंगे, 0.75 आ जाएगा, जोड़ने पर 1.75 सेंटीमीटर से टोटल मीटर में आ गया भाई, इसमें आ गया ये 1.75 मीटर। एक कमीज के लिए आवश्यक है इतना कपड़ा, 8 कमीज के लिए, तो 8 कमीज के लिए भाई कितना आवश्यक होगा, 8 कमीज के लिए होगा, 8 से गुणा कर देंगे जितना एक में लगता है, 8 × 1.75। अब 1.75 का गुणा कर देते हैं, 8×5=40, 8×56=460, 8×8=14, यानी कितना आएगा भाई, 2 × 10 लगा तो 14 मीटर कपड़ा लगेगा, कितना लगेगा, 14 मीटर कपड़ा लगेगा। ऐसे 8 कमीज बनाने के लिए 14 मीटर कपड़े के लगेगा, यदि 1 कमीज बनाने के लिए 1.75 मीटर कपड़ा लगता है तो क्या कोई ऐसा ऑप्शन मैच कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, ऑप्शन नंबर ए एग्जैक्टली आपका मैच कर रहा है। ठीक है, क्वेश्चन का जो ऑप्शन है वो ए बिल्कुल मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कर रहा है, तो इसको भी इजी था करना था, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पे ध्यान रखना था कि हमने क्या किया, मीटर सेंटीमीटर को डायरेक्ट टोटल को मीटर में कन्वर्ट कर लिया, फिर एक में इतना लगता है तो 8 बनाने के लिए 8 से गुणा कर देंगे उसका। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, अब नेक्स्ट पॉइंट में है क्या, क्वेश्चन नंबर 53 की बात करेंगे, 96 के सभी धनात्मक गुणनखंडों का योगफल है भाई, जितने भी इसके धनात्मक गुणनखंड है सबका योगफल निकालना है। तो ठीक है, इसके कौन कौन से फैक्टर होंगे, गुणनखंड क्या होते हैं भाई, धनात्मक गुणनखंड यानी जो संख्याएं इसको काट सकती है 96 को, वो सभी इसके गुणनखंड होंगे। अब बात आती है सबसे पहला गुणनखंड क्या होगा, एक होगा, एक से अगर इसको भाग दिया जाए तो पूरी तरह से विभाजित होगा, आएगा क्या, 96,
यानी किसी संख्या का जो सबसे पहला गुणनखंड होता है वो संख्या एक होती है, और उसका सबसे लास्ट वाला भी सबसे बड़ा गुणनखंड क्या होता है, संख्या स्वयं होती है। एक और 96 दो गुणनखंड यहां से मिले। आप चलो दूसरे की बात करें, दो से भी कटेगा, दो से काट देने में क्या आएगा भाई, 48 आएगा। तीन से काटेंगे 96 को तो ये भी कट जाएगा, कितना आएगा, तीन से काटने पर 32 आता है, 32 या 96 होता है। फिर चार से काटेंगे कट जाएगा, 200 कटेगा, 24 आएगा। फिर 96 को पांच से काटेंगे तो कटेगा नहीं, छह से काटेंगे हाँ कटेगा, 16 आएगा, 16 आएगा। 96 को सात से काटा जाए तो क्या कटेगा, नहीं, आठ से भाग दे देंगे तो हाँ विभाजित होगा। आठ से कितना आएगा भाई, 8 × 8 और कितना हो जाता है, 16, 12 आ जाएगा, यानी 12 × 8 = 96। अभी बात खत्म नहीं हुई है, 96 को और किसी बड़ी संख्या से भाग दिया जा सकता है, 9 से नहीं कटेगा, 10 से नहीं कटेगा, 11 से नहीं कटेगा, 12 से, हाँ 12 से तो कटेंगे लेकिन कितना आएगा, 8। यानी संख्याएं के जो गुणनखंड और रिपीट होने लगे, देखो 12 और 8 तो पहले ही आए थे गुणनखंड में, यानी आप इसमें को लेना नहीं है, इसका कोई मीनिंग नहीं है। कितने गुणनखंड इसके हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, यानी इसके कुल 12 गुणनखंड है, इन्हीं का योगफल निकालना है। योगफल मतलब हमें इन सारी संख्याओं को जोड़ देना है, 96 के जितने गुणनखंड आए, 1 + 2 + 3 + 4 + 6 + 8 + 12 + 16 + 24 + 32 फिर आगे क्या भाई, 32 के बाद 48 और प्लस इसमें 96, यानी इतनी संख्याएं हैं। अब आपको जोड़ना है तो जोड़ लो सबको, चलो जोड़कर दिखाते हैं। जोड़ने पर क्या आएगा, 2 + 1 = 3 3 × 3 = 6 6 × 10 10 × 6 = 16 16 + 8 = 24 24 + 12 = 36 सही है, 36 16 52 52 24 76 76। और अब नहीं आप जोड़ पा रहे हो डायरेक्ट तो क्या करोगे, आगे आप 76 लिख लेना, इतने का जोड़ 76 आया है, 76 32 और 48 को जोड़ते हैं तो कितना आता, 80 और 96। अब चलो जोड़ लो एक साथ, 6 6 12 = 2 9 8 17 और 7 24 और 1 25 यानी 252। कुल संख्याओं का इनके जितने भी गुणनखंड हैं, 96 के धनात्मक गुणनखंडों का योग कितना आएगा, 252। आंसर क्या मिलना चाहिए भाई, 252। क्या कोई ऐसा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऐसा ऑप्शन मैच कर रहा है, देख लेते हैं भाई कहाँ है। ये आपका क्वेश्चन है 53 जिसमें हम देख पा रहे हैं ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर बी आपका मैच कर रहा है ना, तो इट मीन्स हमने करेक्ट किया है ना, बिकॉज हमारा ऑप्शन मैच करा, करेक्ट क्यों नहीं होगा, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना होगा तो करेक्ट क्यों नहीं होगा भाई। आपने जितने गुणनखंड होते हैं इसके सबको निकाल लिया, और गुणनखंडों को निकालने के बाद उनका योगफल करके देखते हैं 252 आ जाता है। इस तरह से हम आंसर के ऑप्शन नंबर बी को टिक कर देते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की बात करें क्वेश्चन नंबर 54 की। दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 35 और उनका लघुत्तम समापवर्तक 525 है, उनमें एक संख्या है 175 है दूसरी संख्या है, तो भी दूसरी संख्या निकालने के लिए त्रिफार्मूला आपको बताया गया क्या, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इज इक्वल टू क्या होता है भाई, प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम, यही ना, HCF एंड LCM। अब देखो इसमें हमें एक नंबर पता है तो सेकेंड नंबर इक्वल टू फार्मूला यूज करें भाई, सेकेंड नंबर इक्वल टू क्या, प्रोडक्ट ऑफ HCF इंटू LCM डिवाइड बाई फर्स्ट नंबर, ये मेन फार्मूला हो गया सेकेंड नंबर को फाइंड करने का। अब क्या करेंगे, फर्स्ट नंबर, चलिए प्रोडक्ट ऑफ HCF एंड LCM मतलब HCF और LCM का मल्टीप्लाई करेंगे, HCF और LCM का मल्टीप्लाई करने पे आएगा क्या, ये देखेंगे, इसमें दिया गया 35 और लघुत्तम समापवर्तक 525, HCF दिया गया था 35 और लघुत्तम समापवर्तक दिया है 525,
भाग दे देंगे, एक संख्या दी गई है इसमें 175 से भाग दे देंगे, हम दूसरी संख्या निकाल देंगे 175 और 525 को चलिए 25 से काटते हैं, 25 से काटेंगे तो 25 दुना 50 फिर 25 हो जाएगा 25 से कम 25, चलिए इसको भी काटेंगे तो 25 सप्ते 175 होता है, अभी भी कट सकता है, यहां से काटेंगे 7 कम 7 7 3 21 यानी 3 आ जाएगा, 35 यहाँ कितना हो जाएगा 105, कुल मिला के दूसरी संख्या किसके बराबर हो गई 105 के बराबर हो गई सेकंड नंबर, ठीक है, यानी हमारा आंसर क्या होना चाहिए 105। क्या ऐसा कोई ऑप्शन मैच कर रहा है, फार्मूला क्लियर होना चाहिए स्टूडेंट, इसमें फार्मूला क्या होता है सेकंड नंबर को फाइंड करने के लिए, आपका जो जनरल फार्मूला होता है फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ इंटू एलसीएम, इसी फार्मूले का यूज करते हुए हमने सेकंड नंबर फाइंड कर लिया 105, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, कौन सा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 55 की, 10% वार्षिक ब्याज की दर से किसी निश्चित समय के बाद एक निश्चित मूलधन और साधारण ब्याज का अनुपात 10:3 था, नहीं कह रहे 10% वार्षिक ब्याज की दर से किसी निश्चित समय के बाद एक निश्चित मूलधन और साधारण ब्याज का अनुपात 10:3 था, निवेश किए गए धन की अवधि कितने वर्ष थी, हाँ अनुपात दिया गया है, साधारण मूलधन और साधारण ब्याज का अनुपात 10:3 दी गई है, दर दिया गया है 10%, चलिए करके दिखाते हैं, है? चलिए क्वेश्चन करते हैं, इन्होंने कहा है 10% इसका ब्याज का दर दिया गया है, आर इसको दिया है 10% पर एनम वार्षिक, है ना 10% वार्षिक ब्याज की दर है, एक चीज और दिया है P:Q यानी मूलधन और सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज का जो अनुपात है वो 10:3 है, यानी ये हो गया 10:3, ये चीज दी गई थी, अब आपको निकालना क्या है, निकालना ये है कि इसमें कितने अवधि के लिए यह धन दिया गया था, जहां पे उसके मूलधन और साधारण ब्याज का अनुपात 10:3 हो जाता है, ठीक है, उस निश्चित समय अवधि बाद उसके मूलधन और साधारण ब्याज का जो अनुपात आता है 10:3 हो जाता है, तो ऐसे में हमें उस निश्चित अवधि को ही ज्ञात करना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, चलिए अभी आपका टाइम नहीं क्लियर है, प्रिंसिपल नहीं क्लियर है, तो ठीक है हम इसको अगर पी एक्स इसमें करेंगे, भाई करोगे क्या, करना ये है आप इसको नंबर फॉर्म, इसको वेरिएबल के फॉर्म में यानी कि किसी वैल्यू x का यूज करते हुए प्रिंसिपल और SI सिंपल इंटरेस्ट को इंडिविजुअली राइट कर सकते हैं, P इक्वल टू राइट कर सकते हैं 10x और SI इक्वल टू राइट कर सकते हो क्या 3x, ठीक है इतनी बातें क्लियर, अगर इसके अनुपात के आधार पर हम कह सकते हैं प्रिंसिपल 10x होगा और जो सिंपल इंटरेस्ट होगा 3x के बराबर होगा, चलिए अगर अमाउंट निकालना चाहें तो 13x हो जाएगा, ठीक है अमाउंट कितना हो जाएगा 13x हो जाएगा, तो सारी चीजें क्लियर हैं, अब क्या रहोगे भाई टाइम निकालना है, हमें निकालना इसमें क्या है टाइम, ये नहीं पता है निश्चित समय, चलो अब फार्मूला लगाएंगे SI इक्वल टू PRT डिवाइड बाय 100, मेन फार्मूला यही होता है, इसी फार्मूले का यूज करेंगे, ऐसा ही मतलब कितना 3x आपने निकाला, प्रिंसिपल इन्होंने कहा कितना भाई इसके अकॉर्डिंग हम 10x कह सकते हैं, तो r कितना है, r आपका 10% है, कितना है 10%, टाइम नहीं पता है, डिवाइड बाय 100, चलो एक जीरो यहां से एक जीरो यहां से एक जीरो यहां से एक जीरो यहां से, अब क्या बच रहा है TX = 3X, यहां पे T × X यानी T × X = 3X, ये बच रहा भाई X भी कैंसल, यानी T = कितना आ गया 3 years, 3 वर्ष में वो जो उसके मूलधन और साधारण ब्याज का जो अनुपात आएगा वो 10:3 हो जाएगा, जो मूलधन और साधारण ब्याज का अनुपात निकालेंगे तो 10:3 हो जाएगा, क्लियर है बेटा जी, इसमें पॉइंट कुछ था ही नहीं, केवल कंफ्यूज करने के लिए ऐसा बोल दिया गया था लैंग्वेज कि इसकी मूलधन और साधारण ब्याज का अनुपात 10:3 हो तो कितने निश्चित समय अवधि बाद ये
ऐसी कंडीशन हो सकती है, आपको ये बताना था, यानी टाइम निकालना था। ठीक है, टाइम निकालने के लिए पहले हमने क्या किया, इसके रेशियो फॉर्म से नंबर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लिया, प्रिंसिपल को 10x मान लिया, x से रिलेट करके, और सिंपल इंटरेस्ट रिएक्ट हो जाएगा। बस आप जानते हो सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू क्या होता है भाई, चलिए सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू पीआरटी डिवाइड बाय 100, यानी मेन जनरल का जो मेन फार्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट का, उसी फार्मूले का यूज करते हुए टाइम हमने निकाल लिया। कैसे, यहाँ से डबल जीरो कैंसिल, तो यहाँ पे केवल टी एक्स बचेगा और यहाँ पे थ्री एक्स, और एक्स एक्स भी कैंसिल, टी एक्स इक्वल टू थ्री एक्स। ठीक है, तो आई होप ये भी पॉइंट आपका क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या आपका क्वेश्चन नंबर 56 की बात की जाएगी। अभी हमने किस इससे पहले जो क्वेश्चन डिस्कस किया था वो आपका 55 था, आप बात करते हैं 56 की। इसमें एक सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है जिसमें हम बर्डमास का रूल अप्लाई करेंगे। ठीक है, बर्डमास का रूल क्या होता है भाई, 9/20। इसमें देखो क्वेश्चन हम नोट डाउन करेंगे फिर इसको सॉल्व करेंगे। इसमें इन्होंने कहा 9/20 माइनस, सॉरी इस ब्रैकेट का कोई यूज नहीं है यहां पे, लार्ज ब्रैकेट अभी यूज करना है, स्क्वायर ब्रैकेट भी बोला जाता है, -1/5, फिर क्या करना है ना प्लस का, यहाँ पे मिडिल ब्रैकेट का यूज किया गया है जिसे हम सेमी, यस बेटा यहाँ पे क्या वैल्यू है 1/4, 1/4 प्लस इस स्मॉल ब्रैकेट का यूज करेंगे जिसमें राइट किया गया 5/6 प्लस नहीं है माइनस है 1/3 और यहां पे प्लस है 1/2 और ये इस पे डैश लाइन लगा दी गई है और इस ब्रैकेट को क्लोज किया गया है। देन आफ्टर सारे ब्रैकेट क्लोज किए गए हैं यहां पे, ऐसे ये क्वेश्चन ठीक है। 9/20 -1/5 प्लस 1/4 प्लस 5/6 माइनस 1/3 प्लस 1/2, ये माइनस बाहर है, डैश लाइन से बाहर है। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों को सॉल्व करेंगे। देख ले एक बार क्वेश्चन सेम एज है, हाँ सेम एज है, हमने वही कॉपी किया जो वहां पे है। ठीक है, 9/20 प्लस -1/5 प्लस 1/4 प्लस ये समथिंग जो भी था वहां पे आपका सेम एज क्वेश्चन नोट डाउन किया गया है। चलिए अब इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने का बे वही है, सबसे पहले हम इस डैश लाइन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, सबसे पहले इस लीनियर डैश को या लीनियर ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो लीनियर ब्रैकेट को सॉल्व करने का मतलब हम 1/3 प्लस 1/2 को कहीं सॉल्व कर ले, कितना आएगा डायरेक्ट राइट कर लेंगे, 1/3 प्लस 1/2 इक्वल टू कितना होगा 6 हो जाएगा, उसकी हम 2 1 जा 2 प्लस 3 1 जा 3 यानी 5/6 टोटल। इसको अगर सॉल्व किया जाए डैश लाइन वाले वैल्यू को तो कितना आएगा 5/6 आएगा, तो ऐसे ही राइट करेंगे 9/20 माइनस 1/5 प्लस मिडिल ब्रैकेट का यूज करेंगे 1/4 प्लस स्मॉल ब्रैकेट का यूज करेंगे 5/6 माइनस क्या करेंगे भाई 5/6 ही आ गया माइनस करने पे, ये ब्रैकेट क्लोज, मिडिल ब्रैकेट क्लोज, लास्ट ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, अब देखो ये माइनस 5/6 प्लस 5/6 कैंसिल हो गया, कैंसिल होके क्या होगा वहां पे जीरो, तो 9/20 माइनस 1/5 प्लस 1/4 ये मिडिल ब्रैकेट का यूज करेंगे। आप देखो यहाँ पे जीरो तो प्लस जीरो राइट कर देंगे और ये मिडिल ब्रैकेट क्लोज, लास्ट ब्रैकेट क्लोज, स्मॉल ब्रैकेट को हमने रिलीज कर दिया। ठीक है, आप बर्डमास में क्या होता है, सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, फिर क्या करते हैं ऑफ होता तो ऑफ को कट करते हैं, फिर स्टार को सॉल्व करते हैं, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन एट द लास्ट सब्ट्रैक्शन, ये बर्डमास का रूल होता है। ठीक है, अभी क्या करेंगे भाई, इसमें करना वही है आपको 9/20 देन आफ्टर 9/20 माइनस 1/5 और प्लस 1/0, 1/4 प्लस 0 मीन 1/4 ही तो होगा, तो यहाँ पे 1/4 राइट करेंगे। अभी क्या करना है, इस दोनों को सॉल्व कर लो, यहाँ पे 9/20 आ जाएगा, 9/20 माइनस क्या करेंगे इसका जो एलसीएम होगा 20 ही होगा और यहाँ 4 और प्लस 5 कुल मिला के यहाँ भी 9/20 ही आएगा, इस तरह से आंसर राइट करेंगे 9/20
माइनस 9/20 आंसर कितने के बराबर 0 के प्लस माइनस 0 हो जाएगा, सेम वैल्यू है ना, तो 0 के इक्वल हो जाएगा। क्या कोई ऐसा ऑप्शन भी मैच कर रहा है? ये आपका सॉल्व है क्वेश्चन का, ठीक है? क्या कोई ऐसा ऑप्शन मैच कर रहा है? हमारा सॉल्व किसके इक्वल आ गया? 0 के। क्या कोई 0 मिल रहा है? बिल्कुल मिल रहा है, आप देख पा रहे हो क्वेश्चन में 56 का ऑप्शन नंबर ए एग्जैक्टली मैच कर रहा है, ठीक है? तो यहाँ पे हम ए को टिक कर देते हैं। आई होप ये पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा। इसमें करना क्या था, आपको वन स्टेप बाय स्टेप करते रहना है, आप एट द लास्ट आंसर तक पहुंच जाएंगे। बट थोड़ा सा ध्यान रखना, सबसे पहले डैश लाइन यानी लीनियर ब्रैकेट को यूज सॉल्व करते हैं, देन स्मॉल ब्रैकेट को यानी छोटे वाले कोष्टक को, उसके बाद मिडिल ब्रैकेट को यानी इस मझले ब्रैकेट को, उसके बाद इस लार्ज ब्रैकेट को, उसका जो कैलकुलेशन रह जाएगा मतलब आपका बेसिक ऑपरेशन के जो पॉइंट रह जाएंगे यानी डिविजन मल्टीप्लीकेशन एडिशन और सब्ट्रैक्शन, उसको करते रहेंगे उसके बाद, ठीक है? तो आंसर यहाँ पे 0 आ गया। तो आई होप ये पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, पॉइंट नंबर 57 की। इन्होंने कहा एक 18 लड़के एक कार्य 24 दिनों में कर सकते हैं, तदनुसार वही कार्य 27 लड़के कितने दिनों में पूरा कर सकेंगे? भाई 18 लड़के मिलेंगे तो 24 दिनों में करेंगे। एक चीज बताओ, ये क्वेश्चन कैसा है? ये क्वेश्चन है इनवर्स प्रोपोर्शन का। ये क्वेश्चन जो लिया गया 57 इनवर्स प्रोपोर्शन का। अभी आपने कहा सर इनवर्स प्रोपोर्शन क्या होता है? भाई जिसमें आपने पढ़ा होगा, जिसमें क्या होती है, एक क्वांटिटी बढ़ती है तो उससे रिलेटेड जो दूसरी क्वांटिटी होती है वो घटेगी, यानी एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी घटेगी, इस तरह से। जैसे इस क्वेश्चन की बात कर लें, 18 लड़के एक कार को 24 दिनों में कर सकते हैं। अब आप कह रहे हो सर लड़कों की संख्या बढ़ा दी गई है, 18 से 27 लड़के ले आएंगे, तो ये बताइए अब वही कार 24 दिनों तक चलेगा? नहीं, अब वो काम कम दिनों में हो जाएगा। जो 24 दिनों में होता था अब वो कम दिनों में हुआ, कितने कम दिन लगेंगे वो अलग चीज है, लेकिन एक तरफ लड़कों की संख्या बढ़ी तो दोनों काम के दिनों की संख्या घट रही है। इसी को इनवर्स प्रोपोर्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनवर्स प्रोपोर्शन। अब हम इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे? इसको हम करने के लिए डायरेक्ट कर सकते हैं। देखो सबसे पहले आप क्या करोगे, यहां पे मान लेते हैं लड़कों की संख्या, एक तरफ लड़कों की संख्या, भाई कितने लड़के हैं इसमें, लड़कों की संख्या है ना, लड़कों की संख्या होगी, एक तरफ दिनों की संख्या, कितने दिन लगे हैं काम को खत्म करने में ये लिखेंगे। लड़के आते हैं जब 18 तो दिन लगते हैं 24, अब लड़के हो गए 27 तो कितने दिन लगेंगे, x हमें नहीं पता तो x दिन लगेंगे, ठीक है? अब इस क्वेश्चन को डायरेक्ट इनवर्स के मतलब इनवर्स प्रोपोर्शन के क्वेश्चन को क्या करते हैं, एक होता है इनवर्स प्रोपोर्शन, एक होता है डायरेक्ट प्रोपोर्शन। डायरेक्ट में एक चीज बढ़ती है तो दूसरी भी चीज बढ़ती है। इससे पहले एक क्लास में मैंने बताया था, जैसे आप कोई 2 kg शुगर परचेज कर रहे हो, उसमें जितना पे करोगे, अगर आपने क्वांटिटी बढ़ा दी 5 kg कर दिया तो आप ज्यादा पे करना पड़ेगा आपको, इसका मतलब वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है। लेकिन यहाँ उल्टा होगा, उल्टा होगा तो उल्टा उसका तरीका भी दूसरे तरह से करेंगे। अगर डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है इसका इसका रेशियो इसके इसके रेशियो के इक्वल होता, लेकिन यहाँ पे क्या करेंगे, इसका इसका मल्टीप्लाई इसके इसके मल्टीप्लाई के इक्वल हो जाता है। चलिए डायरेक्ट मेथड सॉरी इनवर्स प्रोपोर्शन के लिए तरीका होता है 18 × 24 इज इक्वल टू क्या करेंगे, एक्स मल्टीप्लाइड बाई 27। अब क्या करोगे, आप x निकालना है तो x इज इक्वल टू ये x यही होल्ड करेगा और ये 27 LHS में ट्रांसफर होके डिवाइड में आ जाएगा 18 × 24 / 27। यानी सॉल्व करना है तो यहाँ 3 से कट कर देते हैं भाई, 9 से कट कर दो, 9 × 2 = 18, 9 × 3 = 27, 3 × 1 = 3, 3 × 8 = 24 और 2 × 16, यानी कितने दिन लगेंगे उसी काम को करने में, 16 दिन लगेंगे। कितने दिनों में अब 27 करके उसी काम को खत्म कर देंगे, 16 दिनों में। आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो पहले आप ऐसे ही एक टेबल फॉर्म करेंगे, उसमें एक तरफ लड़कों मतलब जो अलग अलग टर्म्स की बात की गई, अलग अलग क्वांटिटीज की बात की गई है, उनको राइट करेंगे, एक तरफ दिनों की संख्या, एक तरफ
चलिए एक तरफ दिनों की संख्या, एक तरफ लड़कों की संख्या, ठीक है। अब इस तरह से हमने सॉल्व किया तो आंसर क्या आ गया, 16। आंसर क्या आ गया भाई, 16, ठीक है। तो आपने समझा इस बात को, सॉल्व करने का जो तरीका मैंने बताया कि आज से डिवाइड करेंगे और उसके बाद इन दोनों का मल्टीप्लाई, इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन के इक्वल हो जाएगा। यानी यहाँ पे जो क्वांटिटीज डिवाइड की गई इसका मल्टीप्लाई करके इसके मल्टीप्लाई के इक्वल दिखा देना, सॉल्व करके आंसर आ जाएगा आपका जो रिक्वायर्ड होगा, ठीक है। तो आपका आंसर यहाँ पे क्या आएगा, 16 आएगा। ये भी पॉइंट आपका क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट की बात कर रहे हैं, क्या कोई ऐसा आंसर भी मैच कर रहा है? हाँ बिल्कुल मैच कर रहा है, आपका 57 का ए मैच कर रहा है, ठीक है। तो ये भी पॉइंट आपका क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 58 की। एक व्यापारी की 5 क्रमागत महीनों की बिक्री क्रमशः कितनी है भाई, क्रमशः 6435, 6927, देखो 6435 है, 6927 है, 6855 है, 7230 है तथा 6562 थी। वह छठे महीने में कितनी बिक्री करे कि ताकि उसकी औसत बिक्री 6500 रहे। आप जानते हो औसत बिक्री किसके बराबर होती है, औसत बिक्री होती है किसके बराबर, सम ऑफ ऑल टर्म्स अपॉन द नंबर ऑफ टर्म्स, यानी जितने अलग अलग पद दिए गए हैं उन पदों का सबका योग बटे में पदों की संख्या बराबर औसत होता है। औसत कितना दिया गया, औसत दिया गया है भाई, औसत बराबर होता है, फॉर्मूला आप जानते हो जनरल सा, औसत बराबर होता है कुल पदों का योग, कुल पदों का योग बट्टे में पदों की संख्या, यही होता है पदों की संख्या, पदों की संख्या शायद, चलिए ठीक है, पदों की संख्या, कुल पदों का योग बट्टे में पदों की संख्या। औसत दिया गया है इसका, औसत बिक्री कितनी है 6500, तो 6500 लिख देंगे यहाँ पे, कुल पदों का योग 6435 से एक है प्लस 6927 है, 6927। अब देखिए 6927 के बाद 6855 है, इसमें 6855 कर लेंगे प्लस 7230 भी जोड़ लेंगे इसमें प्लस 6562 थी। ये 5 अलग अलग महीनों में थी, 6562 करें, वह छठे महीने में कितनी बिक्री करे ताकि उसकी औसत बिक्री 6500 रहे। तो छठे महीने में हमें पता नहीं ना कितनी बिक्री करना उसको, तो हम क्या करेंगे, छठे महीने की बिक्री को मान लेंगे इसमें कि एक्स होगा, बटे में क्या जोड़ेंगे भाई, कितनी संख्या है 6, यही तो हुआ कुल पदों का योग बटे में पदों की संख्या। अरे 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब क्या करोगे, आपका काम एक ही रह गया, आप इस 6500 का 6 से गुणा कर देंगे, इन सारे पदों को जोड़ लो, x की वैल्यू निकालने के लिए पहले इनको जोड़ लेते हैं, जोड़ने का मतलब भाई जोड़ना है तो फिर जोड़ते हैं, कैसे जोड़ेंगे, चलो एक एक करके जोड़ेंगे, 5 और 7 12 और 5 17, 17 और 0 17 ही होगा, 2 19 के 9, इन जोड़ने पर कितना आएगा, इनके पदों का योग जोड़ रहे हैं तो 19 के 9 हो जाएगा। अब भाई 3 3 2 5 5 10 3 13 6 19 और 1 हाथी उधर था, तो 20 हो गया, 0 हो गया, 20 के 2 हाथ आ गया, यानी कैरी कितना आया, 2 आ गया। अब फिर करेंगे 4 9, 9 4 13 8 13 21 2 23 5 28 28 और 2 30 के 0, हासिल कितना भाई, हासिल आपका 3 हो गया, ठीक है। 6 6 12 6 18 7 25 और 6 25 और 6 कितना होता, 31, और इधर आपका हासिल कितना था, 3 34, इतना हो गया 34,009, यानी इधर हम लिखेंगे 34,009 प्लस का x बराबर 65 गुणे 6, यानी कितना आएगा, 6 5 30 के 0 और 6 6 36 और 3 39, यानी ये 0039,000 x बराबर
भाई एक्स के लिए सॉल्व करना, 39,000 में से क्या करेंगे 34,009 को माइनस कर देंगे। माइनस करने पे आएगा क्या, 10 में से 9 जाएगा 1, अब क्या 9 में से 0 जाएगा 9, 9 में से 0 जाएगा 9 और यहाँ 8 में से 4 जाएगा 4, कुल मिला के 4,991 आंसर आएगा। यानी वो छठे महीने में इसकी बिक्री क्या होनी चाहिए, 4,991 के बराबर होगी, तभी उसकी औसत जो है बिक्री 6,500 रहेगी। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका मैच कर रहा है, टिक कर दीजिए, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए मैच कर रहा है ना। तो आई होप ये पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा, जो कॉन्सेप्ट था वो औसत का उसी का यूज करके आपको करना था इस क्वेश्चन को, तो ये भी आपका क्लियर ही हो गया होगा स्टूडेंट। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 59 की। इससे पहले हमने 58 डिस्कस किया था, अब 59 की बात करें। एक आयत की लंबाई और चौड़ाई दोगुनी कर दी गई है, क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि है। भाई कितनी लंबाई और चौड़ाई दोगुनी कर दी जाएगी तो क्षेत्रफल कितने प्रतिशत, क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि हो गई ये बताना। मान लेते हैं पहले देखिए लंबाई और चौड़ाई कितनी, पहले मान लेते हैं एल लंबाई रहेगी और चौड़ाई भी रहेगी, तो क्षेत्रफल पहले क्षेत्रफल कितना होगा, पहले क्षेत्रफल की बात करें तो लंबाई गुणे चौड़ाई यानी एल बी कितनी होगी भाई, एल बी ये क्षेत्रफल हो गया पहले। अब लंबाई और चौड़ाई दोगुनी करने पर प्रश्नानुसार वो कह रहे हैं लंबाई भी दोगुनी कर दी जाए यानी 2L और चौड़ाई भी दोगुनी यानी 2B कर दी जाए, B का 2B हो जाएगा, L का 2L हो जाएगा। करने पर क्षेत्रफल, अब क्षेत्रफल की बात करें तो ये जो क्षेत्रफल होता है क्या होता है, आपका क्षेत्र वही चीज लंबाई गुणे चौड़ाई यानी यहाँ पे 2L गुणे 2B, ये लंबाई गुणे चौड़ाई यानी 4LB हो जाएगा। अब देखो क्षेत्रफल में वृद्धि, बात करेंगे क्षेत्रफल में वृद्धि, क्षेत्रफल में वृद्धि कितनी, क्षेत्रफल में वृद्धि हुई है 4LB, पहले बाद में आया, पहले कितना था केवल LB था, यानी क्षेत्रफल में वृद्धि 3LB की हुई है, 3 गुणे लंबाई गुणे चौड़ाई इतने के बराबर हो गई। अब प्रतिशत वृद्धि, प्रतिशत वृद्धि की बात करेंगे, प्रतिशत वृद्धि की बात करेंगे, प्रतिशत वृद्धि किसके बराबर हो जाएगी भाई, प्रतिशत मतलब होता है आप निकालना होता प्रतिशत वृद्धि, तो निकालेंगे जितना वृद्धि बटे में टोटल इनिशियल वैल्यू यानी इनिशियल क्षेत्रफल क्या था भाई स्टार्टिंग में LB की बराबर था, 3LB हो जाएगा प्रतिशत वृद्धि निकालने के लिए, नहीं वृद्धि हो गया इतना बटे में इनिशियल क्या था स्टार्टिंग में LB था क्षेत्रफल गुणे 100, यही तरीका होता है। आप क्या करोगे LB कैंसिल, 3 गुणे 100 यानी 300 की वृद्धि हो जाएगी, क्षेत्रफल में कितने की वृद्धि 300% की वृद्धि हो जाएगी क्षेत्रफल में। कहने का मतलब आपका कॉन्सेप्ट सेम था, बस थोड़ा सा ही ध्यान देना था ना स्टूडेंट, सारे क्वेश्चन सीधी होते हैं थोड़ा सा, देखो जैसा क्वेश्चन था पहले क्षेत्रफल जितना भी रहा होगा आप लंबाई और चौड़ाई दोगुनी कर दी जाए तो क्षेत्रफल कितना हो जाए, हमने पहले मान लिया लंबाई इसकी एल थी चौड़ाई बी थी, अब 2L और 2B के तो इसका क्षेत्रफल यहाँ पे LB हो गया, अब जब दोगुनी कर दी गई तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 2×4 LB के बराबर हो जाएगा। अब क्षेत्रफल में वृद्धि की बात करें तो अब जो क्षेत्रफल है माइनस कर देंगे स्टार्टिंग वाले क्षेत्रफल को यानी इनिशियल वैल्यू को, तो यहाँ से 3LB के बराबर आ जाता है। प्रतिशत वृद्धि की बात करें तो वृद्धि बटे में जो शुरू में था यानी शुरू में कितना था LB क्षेत्रफल था और गुणे का LB घट गया 3×100 के बराबर आ गया, ठीक है। तो ये प्रतिशत वृद्धि कितने के बराबर हो जाएगी 300 के बराबर हो जाएगी स्टूडेंट, आई होप ये भी पॉइंट आपका क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 60 की बात करेंगे। 6/7 संख्या, 6/7/8 से कितनी अधिक है, नहीं कुछ मिसप्रिंट हुआ है बेटा जी, यहां पे मिसप्रिंट हुआ है, आपको ये बताना 6/7
संख्या 7/8 से कितनी अधिक है, कितनी अधिक है ये जानने के लिए आप क्या करोगे? नहीं, ओ सॉरी, क्वेश्चन ये बेटा मैंने ध्यान नहीं दिया, यहां पे आपका क्वेश्चन 6/7/8 है। अब 6/7/8 से कितनी अधिक है ये देखना होगा कि इन्होंने डिवाइड कैसे किया। पहले 6/7 है, फिर 7/8 है। ओह या, आप ध्यान से देख पा रहे हो यहाँ पे जो ये डिवाइड का साइन है ये थोड़ा सा डार्क किया गया है क्वेश्चन में, और यहाँ पे थोड़ा लाइट है। तो कह रहे हैं मतलब मैं दिखाता हूं क्या है ये क्वेश्चन, पहले आप सॉल्व करेंगे, सॉल्व करेंगे पहले क्वेश्चन में नोट डाउन कर दे रहा हूं। यहाँ पे 6/7 डिवाइड बाई क्या है, यहाँ पे इन्होंने कहा डिवाइड बाई है 8, ये हो गया 6/7/8। और दूसरी संख्या जो दी गई है 6/7/8 ये है 6/7/8 से कितनी अधिक है संख्या 6/7/8। बेटा जी ये कहने का मतलब यहां पे थोड़ा सा फिर से क्लियर कर दे रहा हूं, ये आपका एक साथ राइट किया गया है और ये चीजें एक साथ राइट की गई, मैंने ध्यान दिया। चलिए आप क्या करेंगे, बहुत ही ज्यादा थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूजन करने के लिए बता दिए डायरेक्ट राइट कर दिए, तो ठीक है आप थोड़ा सा ध्यान, दिखने में एक जैसे है ना, दिखने में तो एक जैसे है लेकिन चीजें अलग है। मैं बताता हूँ इसमें क्या दिया गया, एक दिया है 6/ देखिए, चलिए पहले को सॉल्व करके दिखाते हैं, 6/ है 7/8 ये है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 6/6 × 8/7 हो जाएगा, सही है। तो 8/48/7 ये पहली वैल्यू आ गई। दूसरे वाले को सॉल्व करते हैं, 6/7/8 है ये दूसरी वैल्यू है, ये अलग तरीके से है ना, 6/7/8 ओके। बेटा 6/7/8 है तो चलो इसको थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे, 6/7 × 1/8 हो जाएगा, ये पलट जाएगा यानी यहां से 6/ 56। अब ये कह रहे हैं ये संख्या जो है इससे कितनी अधिक है, तो अधिक निकालने के लिए पहले इसमें से इसको घटा दो, 48/7 − 6/56। अब देखो कैसे सॉल्व करोगे, थोड़ा सा और कर लेना, 56 इसका अलग उत्तम हो जाएगा। अब देखो यहां से 56 × 7 से भाग देंगे, 8 भाग देंगे, 48 का 8 से गुणा कर दो, 8 × 64 = 4 और 8 × 32 = 6 = 38 384 और 56 × 56 − 6 = कितना, 384 में से 6 घटा देंगे तो भाई 378 आ जाएगा, 378/56। अभी एक चीज देख रहे हो, ये 2 से कट होंगे, 2 से क्या, यस बेटा 4 से भी कट होंगे, 4 से, हाँ 4 से भी कट हो जाएंगे ना, नहीं कट होंगे, 4 से नहीं कट होगा, तो 2 से कट कर देते हैं, 2 से कट करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, 2 × 4 और यहाँ से 6 हो जाएगा तो 2 × 8 = 16 मतलब 16 हो जाएगा। अब 2 से इसको कट करेंगे तो क्या जाएगा, 16 × 32 नहीं होता, 17 × 18 × 36 और यहाँ से 18 × 179 यानी 189/28। क्या पॉसिबल है 189 को 7 से भाग दिया जा सकता है, बिल्कुल, 7 × 28 और 7 × 14 = 4 × 49 = 27/4 क्या आ जाएगा, सॉल्व करने पर 27/4 किसके बराबर आएगा देख लो भाई, 4×6 = 24 × 3/4 कुल मिला के किसके बराबर आ गया, 6 सही 3/4 6 सही 3/4 हमने जो क्वेश्चन का स्टेटमेंट था उसी का यूज किया है, ठीक है। ये 6 सही 3/4 कहीं मिल रहा है, ऑप्शन नंबर ए मिल रहा है आपका, ऑप्शन नंबर ए। तो स्टूडेंट ये पॉइंट आप लोगों का क्लियर ही हो गया होगा, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, ठीक है। अगर आपको पसंद आता है प्लीज शेयर
और लाइक कीजिएगा, ठीक है? ओके, गुड बाय।